Assalamualaikum, मैं हूं एसएन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप विंडोज मशीन पे फ्री डाउनलोड मैनेजर, जो कि एक कंप्लीट फ्री डाउनलोडिंग मैनेजर टूल है, उसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारी इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप वेब ब्राउजर को कैसे विंडोज में इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्री डाउनलोड मैनेजर ये बेसिकली एक टूल है जो कि इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड करने में आपकी मदद करता है। इसके अल्टरनेटिवली जो इसे रिलेटिवली ज्यादा पॉपुलर भी है वो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर IDM, ये बेसिकली इससे ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन मैं पहले भी इस सीरीज में कह चुका हूँ कि मैं यहाँ पे वही चीज मेंशन कर रहा हूँ जो प्रॉपरली फ्री ऑफ चार्ज यूज के लिए अवेलेबल है। तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर ये बेसिकली कुछ देर के बाद सब्सक्रिप्शन बाय करने का रिक्वायरमेंट रखते हैं, तो इस वजह से इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। अदरवाइज अगर किसी के पास उसकी सब्सक्रिप्शन है तो ये नो डाउट एक काफी बेहतर डाउनलोड मैनेजर। हम इस वीडियो में देखेंगे फ्री डाउनलोड मैनेजर। तो मैं सर्च करता हूँ फ्री डाउनलोड मैनेजर, ये इसकी वेबसाइट है freedownloadmanager.org। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं तो ऑब्वियसली आप अपना प्लेटफॉर्म चूज करेंगे। वो आपको डाउनलोड्स में जाके, अगर यहाँ पे ना मिले तो डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ आपको बाकी सिस्टम्स के रिलेटिव इनकी डाउनलोड मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि मैक ओएस, एंड्रॉइड, लिनक्स, etc। यहाँ पे डाउनलोड में देखते हैं कितना रह गया। शो ऑल डाउनलोड्स, कुछ टाइम लेगा कंप्लीट होने में। जब तक डाउनलोडिंग हो रही है मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि डाउनलोड मैनेजर्स इंस्टॉल करना और उनको यूज करना किस तरह फायदेमंद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करंट हमें इस फाइल की डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही है वो केबीज में मिल रही है, और वो भी 100 KB से लेस मिल रही है। जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन है उसकी डाउनलोडिंग स्पीड नॉर्मली 1 से 2 MB आनी चाहिए। जो मेरा करंट कनेक्शन लगा है वो 35 MB का लगा हुआ है, तो ये उसके रिस्पेक्टिव बहुत ज्यादा लो डाउनलोडिंग स्पीड दे रहा है। इस चीज को हम एट एंड एक दफा फिर टैली करेंगे। जब मैं इस डाउनलोड मैनेजर को इंस्टॉल कर चुका हूंगा तो मैं आपको ये सेम फाइल इस डाउनलोड मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और आप देख सकेंगे कि तब इसकी जो स्पीड होगी वो इजीली 1 MB अदरवाइज एटलीस्ट 500-600 KB से अबव ही रहेगी। अगर किसी वजह से, क्योंकि इंटरनेट स्पीड पीक टाइम्स पे कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो वजह ना हो, मैं नॉर्मली इस डाउनलोड मैनेजर को यूज करता हूँ और मुझे इजीली 2+ MB डाउनलोडिंग स्पीड मिलती रहती है। ऑब्वियसली इंटरनेट स्पीड आपकी इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन 2 MB का लगा हुआ है या 10 MB का लगा हुआ है तो डाउनलोड मैनेजर आपको 3-4 MB की स्पीड नहीं दे सकते। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन 10 MB का लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि आपकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है, जो प्योर इंटरनेट स्पीड है, वो 1 MB है। बाकी बेसिकली जो 9 MB होते हैं उनमें से कुछ सोशल मीडिया के होते हैं, कुछ यूट्यूब के होते हैं। जो एक्चुअल ब्राउजिंग या डाउनलोडिंग स्पीड होती है वो 1 MB होती है। और इसी तरह जो डाउनलोडिंग स्पीड बेसिकली जब कनेक्शन लगवाया जाता है तो टेस्टिंग के लिए भी यही किया जाता है कि आप कोई एक रैंडम 1 GB की, 1.5 GB की फाइल गूगल ड्राइव पे रखें, क्योंकि गूगल के सर्वर ऑलमोस्ट हर जगह पे अवेलेबल है, तो वहां पे डाउनलोडिंग सर्वर के दूर होने की वजह से डिस्टर्ब नहीं होती। CDNs वगैरह उनके सारे होते हैं, तो उस तरफ से पॉइंट काफी सिक्योर होता है, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि आपकी जो फ्रंट कनेक्शन लगा है वो उसकी डाउनलोडिंग स्पीड क्या है। फ्री डाउनलोड मैनेजर को यूज करने के लिए 2 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एक, ये सॉफ्टवेयर जो हमने डाउनलोड किया फ्री डाउनलोड मैनेजर ORG से, ये डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और दूसरा, जिस ब्राउजर से आप फ्री डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में डाउनलोड स्केच करना चाहते हैं उसमें इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये डाउनलोड हो चुका है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, सेटअप है, वो रन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया सिलेक्ट सेटअप लैंग्वेज, मैं इंग्लिश पे रहने दूंगा, ओके करूंगा। जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, इसका मतलब ये है कि जो आपका डेस्कटॉप है, ये मैंने अभी एक शॉर्टकट यूज किया है Windows+D। इसका काम ये है कि जितनी भी टैब्स जो भी विंडोज ओपन होती हैं वो सारे मिनिमाइज करके हमें डेस्कटॉप पे ले आता है। मैं अगर फिर यही दबाऊंगा Windows D तो जितनी इसने विंडोज मिनिमाइज की थी उन सबको रिस्टोर कर देता है। ओके, तो मैं Windows D दोबारा दबाऊंगा। बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट करेगा क्या। अगर ये चेक करेगा, हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे फ्री डाउनलोड मैनेजर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसका यहाँ पे एक आइकॉन आ जाएगा, मैं इसको चेक ही रहने दूंगा। और लास्टली क्रिएट अ क्विक लॉन्च शॉर्टकट, ये बेसिकली स्टार्ट मेन्यू में एक शॉर्टकट एड कर देगा स्टार्टिंग के लिए। मैं नेक्स्ट करूंगा, दोनों को चेक रहने दूंगा, नेक्स्ट करूंगा। ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले आपको दिखाते हैं कि अच्छा ये वाली सेटिंग आपने कॉन्फ़िगर की है,
आप इंस्टॉल करना चाहते हैं सेटिंग के साथ, आप सेटिंग को अगर पढ़ना चाहें, कोई सेटिंग आपको मतलब कंफ्यूजन हो कि मैंने वो ऑप्शन सही सेट किया था कि नहीं, तो आप देख लें। अदरवाइज अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है, आप काफी दफा वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुके हैं, तो इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दें। हम यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे और इस फ्री डाउनलोड मैनेजर की जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे ही इंस्टॉल का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये हमें लास्ट जो स्क्रीन है वो दिखाएगा। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वो ज्यादा ऑप्शंस दिखाते हैं, ज्यादातर 2 से 3 ऑप्शन दिखाते हैं। एक रीडमी फाइल का ऑप्शन होता है और एक सॉफ्टवेयर लॉन्च का ऑप्शन होता है। तो इंस्टॉलेशन के बाद इसने ये बस जो वेब ब्राउजर था उसमें एक पेज ओपन कर दिया कि इंस्टॉलेशन हो गई है, कंग्रेचुलेशन का। उसको मैंने क्लोज कर दिया। वापस इंस्टॉलर में आऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बता रहा है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे फिनिश करूंगा और जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर विंडो डी दबाऊंगा डेस्कटॉप पे आने के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री डाउनलोड मैनेजर का डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। विंडोज का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे फ्री लिखूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका क्विक लॉन्च शॉर्टकट भी ऐड हो चुका है। अब लास्टली जब आपका फ्री डाउनलोड मैनेजर फर्स्ट टाइम ओपन हो तो ये आपसे पूछेगा कि डिफॉल्ट टूल एंड क्लाइंट इसको सेट कर दें। अगर आप ऑलरेडी कोई ओल्ड टूल एंड क्लाइंट यूज नहीं कर रहे तो आप इसको यस कर दें, दैट्स इट। अभी बेसिकली काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे इस साइट को एक दफा रिफ्रेश करके इस पे क्लिक करूंगा डाउनलोड फॉर विंडोज, तो अभी भी ये ब्राउजर को ही यूज करेगा डाउनलोडिंग के लिए, जो कि हमने नहीं करना। हमने ये डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड इसीलिए किया ताकि इसके थ्रू हमारी डाउनलोड हो, ताकि हमें प्रॉपर स्पीड मिले। उसका तरीकाकार ये है कि आप इसके ये मेन्यू आइकन पे क्लिक करें, एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार भी मैं आपको बता दूंगा। प्रेफरेंस पे क्लिक करें, प्रेफरेंस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप इसकी सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग देख सकते हैं। कोई सेटिंग अगर आपको समझ ना आए या कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मुझसे पूछ लें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अगर कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज हुई, सिर्फ टेक्स्ट से एक्सप्लेन ना हो सकी तो मैं वीडियो बना के भी शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन जो चीज है वो ये है, ब्राउजर इंटीग्रेशन। जब ब्राउजर में हम कोई चीज डाउनलोड करने लगे तो फ्री डाउनलोड मैनेजर वहां पे टेक ओवर कर सके और फ्री डाउनलोड मैनेजर में वो चीज डाउनलोड हो सके। अभी मैं क्योंकि क्रोम ब्राउजर को करंटली यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्रोम पे क्लिक करूंगा और ये हमें क्रोम के वेब स्टोर पे जहां से हम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे ले आएगा, फ्री डाउनलोड मैनेजर एक्सटेंशन पेज पे। यहाँ इस पेज पे आने का दूसरा तरीका क्या है कि आप वेब स्टोर लिख के सर्च करें, और ये जो तरीका कार है ये क्रोम के लिए और ब्रेव ब्राउजर के लिए सेम है। यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर उस पर क्लिक करें, फर्स्ट ही जो URL है आप इसी वेबसाइट पे आ गए जो एक्सटेंशन इंस्टॉलिंग है। ये बेसिकली एक्सटेंशन के होम पेज पे है, ये वेबसाइट के होम पेज पे है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे फ्री डाउनलोड मैनेजर, लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट ही एक्सटेंशन ये वाली है फ्री डाउनलोड मैनेजर। इसको एड टू क्रोम करें, ये आपसे पूछेगा कि क्या आप ऐड करना चाहते हैं, आप यस करें ऐड एक्सटेंशन और ये एक्सटेंशन इस ब्राउजर में आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो गई। यहाँ पे जैसे ही मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सटेंशंस का बटन यहाँ पे आ गया। मैं ये कंफर्म करवाने के लिए कि ये पहले यहाँ पे नहीं था, अगर मैं इसको डिसेबल करता हूं तो आप देख सकते हैं क्योंकि कोई भी एक्सटेंशन एक्टिव नहीं है तो वो जो एक्सटेंशन का बटन है वो रिमूव हो गया। तो मैं जैसे ही कोई एक एक्सटेंशन एक्टिव करता हूं तो आप देख सकते हैं ये जो पजल आइकॉन है ये एक्सटेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये वो एक्सटेंशन है। आप जो एक्सटेंशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं आप उसको पिन कर सकते हैं ताकि वो पजल आइकॉन के साथ आगे शो हो और आप इजीली उसको एक्सेस कर सकें। मैं इसको क्लोज कर दूंगा, इस टैब को भी क्लोज कर दूंगा, इसको भी, लास्टली इसको भी। एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब अगर मैं वापिस इस फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश करता हूं फ्री डाउनलोड मैनेजर ORG पे जाके डाउनलोड फॉर विंडोज, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखते हैं कि पहले वो यहां पे उसकी डाउनलोड स्टार्ट हुई थी ब्राउजर में, अब ऑटोमेटिकली ये जो टूल है उसने उसकी डाउनलोड को पिकअप कर लिया। एक वो मुझे ऑप्शन दे रहा है सेव टू कि मैं इसको कहां पे सेव करवाना चाह रहा हूं। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा फाइल एक्सप्लोरर और यहाँ से आप जहां पे भी सेव करवाना चाहते हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट करके ओपन करें। ये उस लोकेशन को एज अ डेस्टिनेशन लोकेशन सेट कर देगा और आप फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये फाइल हमने पहले ही ब्राउजर के साथ डाउनलोड की हुई है, इस वजह से वो कह रहा है कि फाइल पहले ही एग्जिस्ट करती है, आप इसको रीनेम कर लें, ओवरराइट कर लें या अपलोड करके एक्शन को कैंसिल कर लें। मैं ओवरराइट करूंगा। अगर आप हर दफा कहते हैं कि अच्छा अगर फाइल पहले ही मौजूद हो तो उसको रीनेम ही करना है तो आप रिमेम्बर माई चॉइस भी कर सकते हैं। मैं इसको अब चेक नहीं करूंगा, ओवरराइट पे क्लिक करूंगा और वापस यहाँ पे क्लिक करके आऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो स्पीड है वो 500 KB 600 KB क्रॉस कर गई है और ये स्पीड इजीली 1 MB से ऊपर चली जाएगी।
जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, अभी शायद थोड़ा पीक टाइम चल रहा है तो ये 2 MB तक नहीं जा रही, लेकिन फिर भी कंपेयर टू ब्राउजर कि अगर मैं ये एक्सटेंशन यहाँ से डिसेबल करता हूँ, मैंने पजल आइकन पे क्लिक किया, मैनेज एक्सटेंशन डिसेबल की, और अब अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो ये ब्राउजर के थ्रू डाउनलोड होगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमें स्पीड मिल रही है वो KBs में मिल रही है। ये ऑल लेस होके 100 पे आ जाएगी, ऑल लेस होती जाएगी, तो ऑलरेडी 100 KB वर्सेस 1 MB चॉइस क्लियर है। ये शॉर्ट वीडियो थी कि आप फ्री डाउनलोड मैनेजर को विंडोज पे किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको फिर प्रॉपरली यूज कैसे कर सकते हैं। जब तक ये एक्सटेंशन डिसेबल रहेगी ये फ्री डाउनलोड मैनेजर काम नहीं करेगा, तो इसलिए आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और उसको अनेबल करना है, तो जिस ब्राउजर में ये इंस्टॉल होगी उसी ब्राउजर की ये डाउनलोड कैच करेगा, अदरवाइज ये डाउनलोड कैच नहीं करेगा। और एक लास्ट चीज वीडियो को एंड करने से पहले वो ये है कि ये एक्सटेंशन प्राइवेट टैब में भी जो डाउनलोड है उसको कैच कर सके, उसका तरीका कार अभी मैंने एक शॉर्टकट यूज किया है, कंट्रोल शिफ्ट एन। मैं क्रोम पे था, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन किया है तो इसने एक प्राइवेट टैब ओपन कर दिया है। अगर आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं न्यू इनकॉग्निटो विंडो, और उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। मैंने यही शॉर्टकट यूज किया है और मेरे सामने एक प्राइवेट विंडो ओपन हो गई है, इनकॉग्निटो विंडो। यहाँ पे अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ और इस बटन पे क्लिक करता हूँ, जो डाउनलोड है वो ब्राउजर में स्टार्ट हुई है। ओके, बेसिकली ये क्रोम ब्राउजर है और ये कोई और प्रोफाइल भी नहीं है, तो इसमें एक्सटेंशन भी इंस्टॉल है, तो इसको इसने क्यों कैच नहीं किया, क्योंकि जो एक्सटेंशन होती है जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो बाई डिफॉल्ट वो सिर्फ नॉर्मल टैब्स, ये नॉन प्राइवेट टैब्स में ही काम करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई एक्सटेंशन प्राइवेट टैब में भी काम करे तो आप फिर एक्सटेंशंस के पेज पे आएंगे, इस पजल आइकॉन पे क्लिक कर लें। अगर ये पजल आइकन आपको किसी वजह से, क्योंकि कोई भी आपकी एक्सटेंशन एक्टिव नहीं है, नजर नहीं आ रहा, तो आप हैंडबर्गर आइकॉन पे क्लिक करें, यहाँ पे एक्सटेंशन एंड मैनेज एक्सटेंशन, आप इसी पेज पे आ जाएंगे। जिस एक्सटेंशन को आप प्राइवेट विंडो में भी यूज करना चाहते हैं उसके डिटेल पे जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाउ इन इनकॉग्निटो, इसको चेक कर दें, इसको क्लोज कर दें। एक दफा फिर मैं वही शॉर्टकट यूज करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एंड प्राइवेट टैब ओपन करने के लिए। यहाँ पे मैं जो टूल है उसमें जाऊंगा और यहाँ पे आप पहले ही देख सकते हैं कि ये अभी से शो होने लग पड़ी है। अब मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये कैच कर लेगा। ये एक कंप्लीट प्रोसेस था फ्री डाउनलोड मैनेजर को विंडोज पे इंस्टॉल करने का और उसको प्रॉपरली यूज करने का। हम इससे जो चेक बॉक्स है इसको चेक कर देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।